जी नमस्कार अजीत मंडल जी, आपका स्वागत है। मैं भोजपुरी मंच से पिंटू बात कर रहा हूँ। नमस्कार सर, पिंटू भाई कैसे हैं आप? मैं और भोजपुरी श्रोता जो भी देख रहे हैं आपकी चैनल के माध्यम से, नाम बताएं जी कैसे बने रहो? बढ़िया। हम बढ़िया बनी। आपसे वो प्रतिक्रिया ले कर लो सर, आपसे एक प्रतिक्रिया लेना था, क्योंकि आप एक भोजपुरी इंडस्ट्री के एक बड़े कलाकार हैं। भोजपुरी के कई सारे कलाकारों के साथ ऑलरेडी काम कर चुके हैं और कई सारे जी ऐसे कलाकारों के साथ भी काम कर चुके हैं जिसको लेकर आपस में विवाद भी होता है। तो आपको भी ये कहीं ना कहीं झेलना पड़ता होगा कि हम किसके लिए लिख रहे हैं, तो उसके फैंस हमें ट्रोल करें, फिर जिसके लिए लिख रहे हैं फिर उनके फैंस ट्रोल बहुत करें। ज्यादा सर, इसका तो सवाल ही मत पूछिए, ये तो पूछने लायक वाली बात ही नहीं है। तो इसलिए मुझे लगा ये हमारी इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज नहीं रह गई है, हमारे यहाँ के कुछ स्टार हैं, उनको उनके जो है ये अय्याशियों का अड्डा बन चुका है। तो उसी से रिलेटेड कुछ मामला भोजपुरी इंडस्ट्री में आजकल चल रहा है और उसको लेकर तमाम लोग बातें भी कर रहे हैं, और वो बात है यूट्यूबरों को लेकर। भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको पता होगा कि तमाम यूट्यूब चैनल्स पे लोग काम करते हैं, जी तमाम लोग एल्बम्स के बारे में बताते हैं, लोगों के खबरें जो होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं, और उनकी जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होती है उनके जो रिकॉर्ड्स होते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या चल रही है, कैसी फिल्में आ रही है, कैसे ट्रेलर्स आ रहे हैं, तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं भी होती है। और उससे आपको पता होगा कि कई सारे लोग गाने भी लिखते हैं, जैसे कि आप भी गाना लिखते हैं, लेकिन आप गाना के अलावा भी तमाम चैनलों पर इंटरव्यू भी देते हैं, और वहां से भी आपका लोगों के बीच जो आपका जो प्रेजेंस है वो कहीं ना कहीं बनता नजर आता है। तो इस जी कड़ी में आजकल यूट्यूबरों को लेकर एक बड़ा विवाद चल रहा है, और वो विवाद ये है कि पवन सिंह जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहां पर तमाम यूट्यूबरों को बुलाते हैं, तमाम यूट्यूबर में हम भी यूट्यूबर हैं, लेकिन हमें भी तो कोई इन्विटेशन नहीं आया, लेकिन वहां पर जिस तरीके से इंटरेक्शन होता जी है, उनके मैनेजर के द्वारा खाना खिलाया जाता है, वीडियोज को बाकायदा वायरल किया जाता है, इसके बाद फिर जो है खेसारी लाल यादव जी लाइव आते हैं और तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत भी करते हैं। कुछ ऐसे भी मुद्दे होते हैं जो अलग यूट्यूबर खेसारी लाल यादव को कुत्ते से कंपेयर कर देते हैं, जो कि उनके साइड के यूट्यूबर कहे जाते हैं, और इसके बाद खेसारी लाल यादव भी तमाम बातें कहते हैं कि मामा के लड़का, मौसा के लड़का, इस तरीके की चीज। आपकी आवाज कट रही है। जी, तो मैं कितना बात किया था सर आपसे? हाँ बस खेसारी जी तक। जी, तो वहीं खेसारी जी भी कुछ आकर बयान दे दिए कि मतलब अपोजिट साइड में कि उनके मामा के लड़का, मौसी के लड़का जब यूट्यूबर बन गए हैं आकर कुछ भी बोल देते हैं, क्या बोलना होता है। तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, यूट्यूबरों को आप किस तरीके से देखते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में? देखिए सबसे पहली बात तो मैं, आप भी एक यूट्यूबर हैं तो प्लीज मैं जो बोलूंगा बुरा मत मानिएगा। जी, जरूर। ये कहावत है कि जब ना पढ़ल लिखल बा जेकरा कुछाऊ ना काम कहीं मिलल, वो माइक लेके वो जी 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 कैमरा लेके बनल यूट्यूबर, ठीक जी जी ना। जी जिसको सही में अगर जी सवाल पूछने का नॉलेज नहीं है, कैसे जी जी सवाल करते हैं, क्या सवाल करते हैं, कब करते हैं, जी जी कहाँ बैठते हैं, कैसे बैठते हैं, क्या पहनते हैं, क्या बोलते हैं, इसको नॉलेज नहीं है। जी जितने जी भी हमारे यहाँ यूट्यूबर है उसमें से 85% यूट्यूबर ऐसे हैं कि जिनको नॉलेज नहीं है बात करने का। जी जी मैंने जी तो फेस किया है चीजों को कि जी जब सवाल करते हैं सामने आके माइक पकड़ के, उनके मुंह से इतनी बदबू आती है गुटखा और तम्बाकू और बीमल का कि लगता है कि जवाब से पहले उल्टी आ जाएगा। अच्छा, तो ये सब चीजें तो हैं ही, लेकिन जी, जो 85% जैसे 15% या जो 90% जो ऐसे लोग हैं, या जो 15% अच्छे लोग हैं, 10% अच्छे लोग हैं, वो लोग भी इनके वजह से बदनाम होते हैं, जी, ठीक ना। एक यूट्यूबर, या यूट्यूबर कहना मतलब एक न्यूज न्यूज रिपोर्टर कहना जैसे लोग कहते हैं, तो उनका काम है एक न्यूज बनाना, जी, ना तो मुझे किसी एक पार्टी के लिए बात करना, या किसी एक स्टार के लिए बात करना, या किसी एक मजहब, जाति, धर्म या एक इंडस्ट्रीज के लिए बात करना, वो यूट्यूबर या वो न्यूज वाला नहीं होता। यूट्यूबर का तो एक अलग सेंस होता है, यूट्यूबर का सेंस होता है कि हम ब्लॉग बना लिए, कुछ भी बना दिए, कुछ भी कर लिए, वो यूट्यूबर होता है। लेकिन आप जिनकी बात कर रहे हैं वो यूट्यूबर नहीं, वो अपने आप को भोजपुरी का या कहीं का भी एक न्यूज रिपोर्टर कहता है। जी सब लोग के गले में मैं देखता हूँ कि एक आई कार्ड टंगा होता है, पता नहीं कौन सा एसोसिएशन इनको दे देता है। कहीं भी गए, माइक घुसेरे, कुछ भी बोल दिए, अपना एक व्यूज हंसने के लिए कुछ भी कर दिए। जी तो ऐसे लोग हैं, अब इनके लिए क्या कहा जा सकता है। रही बात अगर पवन जी ने बुलाया तो, अगर उन्होंने पार्टी दिया, खाना पीना खिलाया, तो ये तो खुशी की बात है कि खाना पीना खिलाना चाहिए, पार्टी देना चाहिए, बुलाना चाहिए, जी क्योंकि काम करते हैं लोग उनके लिए, या उन्होंने अपनी खुशी में
दिया, जब उन्होंने अपनी खुशी में शामिल किया तो सबको शामिल होना चाहिए, मुझे बुलाते मैं भी शामिल होता उसमें। तो इसमें ये कहने वाले तो कोई बात ही नहीं किए, उनके मामा कह रहे केसारी जी बुलाते केसारी जी के यहाँ भी लोग जाएंगे। जी जी। हालांकि मेरे इन इन जवाब से मेरे ऊपर बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा मुझे पता है, लेकिन जो सच है वो सच होता है। जी जी। नहीं नहीं, तो इसमें तो ये कहना तो सही है ही नहीं कि वो मामा के लड़का या उनके फुआ का लड़का, फिर वो भी कहेंगे कि अरे वो तो उनका चाचा का लड़का। तो ये दोनों लोगों में ऐसा इंट्रोल होते रहेगा। और सच्चाई आपको बताया तो बहुत अच्छी इंडस्ट्री थी हमारी, जब दिनेश जी थे, रवि जी थे, मनोज जी थे, तो बहुत अच्छी इंडस्ट्री थी, सब लोग एक साथ बैठते थे। लेकिन पता नहीं अब क्या हो गया है कि एक उधर अपने में सीना टेढ़ करके रहेगा, दूसरे अपने में कॉलर टेढ़ करके रहेगा, तीसरा अपने में ही रहेगा। जितने हमारे यहाँ स्टार हैं सब एक अपने अपने में ही थे, उनको ना तो हमारी भाषा से कुछ लेना देना है, ना हमारे यहाँ के लोगों से कुछ लेना देना है, ना हमारी इंडस्ट्री से कुछ लेना देना है। बस उनका जो प्राइज है बस वो प्राइज दीजिए, आप कुछ भी गवा लीजिए, कुछ भी करवा लीजिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो वैसे लोगों को तो बोलने का हक ही नहीं कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। जी नहीं नहीं, नहीं एक ये भी सवाल है कि हालांकि वो यूट्यूबरों को तो बुलाए, लेकिन वो लगभग मतलब बातें ऐसी चल रही है कि वो ऐसे यूट्यूबरों को बुलाए जो उनके सपोर्ट में काम करते हैं, जो उनके लिए बात तो सर करते ये तो ये तो जाहिर सी बात है, आपको जिसके साथ बनेगी आप उसी को बुलाएंगे ना अपने घर या अपने पार्टी में। जी जी। तो ये तो फिर एक ग्रुपिज्म हो गया कि भाई हम अपने लिए करेंगे, हमारे ये हैं। तो फिर मैंने तो पहले ही बोल दिया है कि ग्रुपिज्म तो चल ही रहा है, यहाँ दो राय वाली तो बात नहीं है। जी जी। अगर एक राइटर इनका गाना लिख रहा है, उनका गाना नहीं लिख सकता है क्योंकि उनका लिख रहे हैं भाई, उनका लिखेंगे, अगर दूसरे का लिखेंगे तो पहला वाला हमसे नाराज हो जाएगा। अच्छा अच्छा। और दूसरा वाला भी बोलता है यही बात कि अरे अच्छा उनका राइटर है, उनका गाना लिख रहा है, नाराज छोड़ा था वो यार, ये चीज है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। हम लोग तो ऐसे 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 चीजों का शिकार होते हैं कि तो मैं कभी बोलता नहीं हूँ, मैं तो इसलिए नहीं बोलता हूँ कि क्या कहना है, नहीं तो आज हमारे यहाँ के स्टार की सच्चाई बता देंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जरूर इस पर हम बात करेंगे। कितने परसेंट फेस टू फेस कितने परसेंट स्टार हैं? जी जी जी। कितने परसेंट स्टार हैं कि उनसे सच पूछ लीजिएगा कि गाना अगर कोई राइटर लिखा है तो कितने परसेंट स्टार हैं जिनको पता है कि उस राइटर को पैसा मिला है कि नहीं मिला है? हमारे तो 2 साल हो गए पेमेंट नहीं मिला हमारे एक स्टार के पास से, नाम नहीं बताऊंगा। चलिए इसके बारे में 2 साल हो गया नहीं मिला मुझे। जी जी जी। चलिए इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे थे यूट्यूबरों का, जो बाकी आप कह रहे हैं कि 85% ऐसे लोग हैं, बाकी जो 15% लोग हैं उनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है इस इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में इम्पैक्ट पड़ता है सर, आपकी न्यूज जैसे उसमें एक आप है, आपके न्यूज को हर कोई सुनता है। जी। और एक डिसेंट लेवल होता है। जी। एक डिसेंट लेवल होता है बात करने का, जब आप बात करते हैं तभी समझ में आता है कि ये किस लेवल का क्या एजुकेशन होगा। पढ़े लिखे लोगों में और अनएजुकेटेड और एजुकेटेड लोगों में फर्क होता है। जी जी जी। आज मेरे गाने कोई 200 मिलियन 300 मिलियन 500 मिलियन नहीं है, मेरे सबसे हाईएस्ट व्यूज है 96 मिलियन पानी पानी का। जी, जी जी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे टैलेंट का माप लगा दिया जाएगा कि 300 मिलियन मेरा गाना नहीं है, 500 मिलियन मेरा गाना नहीं है तो मैं राइटर नहीं हूँ। सलमान खान का जरूरी नहीं है कि हर गाना 100 मिलियन होता है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री का हर तीसरा गाना 100 मिलियन होता है। जी, तो क्या वो आर्टिस्ट सलमान खान से बड़ा हो जाएगा? तो यहाँ सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन की कमी है। और हमारे यहाँ के जो स्टार जो अपने पीछे 4 चमचे जो पाल रखे हैं, वो चमचे ऐसे चमचे हैं कि उनको उनकी अय्याशी से मतलब है, उनको रोज दारू मिलना चाहिए, उनको रोज पेट भरना चाहिए, उनका कमीशन उनको मिलना चाहिए। आप किसके बारे में? टैलेंट गई भाड़ में। आप किसके बारे में निशाना साध रहे हैं? नहीं, मैं तो जितने भी लोग हैं सब सबके चमचों की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। जो सब लोग अपने आप को मैनेजर बोलते घूमते रहते हैं, स्टारों के मैनेजर, एक भी देख लीजिए मैनेजमेंट क्या है उनके अंदर। जी। जो हंसोत के हम ले लिए बस वो हंसोत लिए। मैनेजमेंट का मतलब राइटर 100 बार उसको प्रणाम करेगा, उस मैनेजर को प्रणाम करेगा, भैया प्रणाम, हमें वो गाना लिखले वानी, हमारा गाना तनी भैया से गवाना दी। ऐसे 100 बार फोन करना पड़ता है एक राइटर को मैनेजर के सामने। मैनेजर को अगर आप मैनेजर के सामने थोड़ा सा हिल में खड़े हो गए ना एकदम, मतलब बना के, मैनेजर स्टार नहीं बोलेगा, मैनेजर बोलता अच्छा हीरो बना था वानी, रुका इनकर हम लेता नहीं, हम बस उस दिन से आप निशाने में आ गए। क्यों? क्योंकि आज उनको प्रणाम नहीं किया आपने, निशाने में आ गए। अब आज के बाद भैया जिनके वो मैनेजर है, वो भैया उनका गाना नहीं गाएगा। हाँ भैया भेज, आप डायरेक्टली स्टार को गाना भेज ही नहीं सकते, क्योंकि स्टार को तो
शूटिंग है, मीटिंग है, एल्बम है, शूट क्या बोलते हैं अपना प्रोग्राम है, इवेंट्स है, उस आदमी को कहाँ टाइम मिलता है। वो आदमी तो फैमिली को टाइम नहीं दे पाता, चाहे किसी भी स्टार की बात करें, लेकिन इनके पीछे वाले जो लोग हैं तो आप गाना उनको भेजेंगे ना, जी अब उनको गाना भेजेंगे स्टार तक पहुंचेगा नहीं, सुनाएगा ही नहीं आदमी। क्यों? क्योंकि आपसे टसन है उसको। जी नहीं, एकदम गाली दे के बात करता है। अच्छा, इन साले की गर्मी निकाला हम रुका, इस वजह से तो बात करता है यहाँ के स्टारों के मैनेजर। जी सर, पैसा के लिए आप उसको फोन नहीं कर सकते हैं। अगर आप पैसे के लिए फोन कर दिए ना, तो फिर आज के बाद आपसे गाना ही नहीं। अच्छा, पैसा मांगे, इतना बड़ा राइटर हो गया, अरे क्यों नहीं मांगेंगे? आप 10 लाख रुपया ले रहे हैं कंपनी से गाना गाने का, और आप एक राइटर का, आज भी एक राइटर को 3,000 रुपया दिया जाता है स्टार के राइटर को, वो भी 1 साल और 1.5 साल में पैसा दिया जाता है, क्या उसका घर कैसे चलेगा? मुझे मैं मेरी बात, लोग मुझसे सवाल करते हैं कि गाना क्यों नहीं आता, गाना क्यों नहीं आता। मेरा गाना इसलिए नहीं आता क्योंकि मैं किसी स्टार को नहीं सुनता, स्टार के मैनेजर का नहीं सुनता हूँ मैं, क्योंकि मैं हमेशा से रहा हूँ खुद में। क्या तुम मैनेजर हो, मैं आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट कभी भी मैनेजर से बड़ा होता है। कल होके हम बड़े हो जाए तो तुमको मैनेजर अपने पास रख ले। तो इन सब चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है, जिसके पीछे इंडस्ट्रीज आज, हमारी इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी लेवल पे बहुत बड़ा ग्राफ हो गया, लेकिन हमारे यहाँ के लोगों की वजह से रोज आपस में झगड़ा करना होता है। अरे शाहरुख खान सलमान खान, आमिर खान में भी लड़ाई होता है, लेकिन ऑन स्क्रीन कभी सुने हैं सलमान खान ने शाहरुख खान को गाली दे दिया है? सुने हैं? कभी नहीं सुने। नहीं। लेकिन यहाँ कैसा होता है, ऑन स्क्रीन गाली देते हैं और बैक स्टेज सब मिलते हैं एक दूसरे से। तो ये सब चीजें हैं, एक दूसरे को यहाँ कैसे गिराया जाता है, ये होती है। आज इतने अरबों खरबों का इन्वेस्टर हमारे पास पड़ा हुआ है, इतने लोग हैं, इतनी कंपनियां हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन नहीं, बस उनको वही बात करना है। पेमेंट तो देना नहीं किसी को है, खुद का पैसा खुद का भरा होना चाहिए। तो चीजें कैसे उम्मीद कर सकते हैं? सर, हम यूट्यूबर की बात करते करते किसी और दिशा में चले गए। चलिए, आप क्या मतलब आपके माध्यम से उन यूट्यूबरों को क्या संदेश होगा जो 85% है और जो 15% है, उनके दोनों के लिए? सर, मुझे मुझे तो ये लगता है कि अपना टैलेंट सबसे बेस्ट है। अगर आपके न्यूज में या आपके रिपोर्टिंग में या आपके प्रेस में दम है तो आप सदैव भरा रहेंगे, हमेशा भरे रहेंगे। और ठीक है, रिस्पेक्ट तो हमें सबकी करनी होती है। हमें तो खेसारी जी का भी रिस्पेक्ट करना है, धवन जी का भी करना है, समर जी का भी करना है, रितेश जी का भी करना है, दिनेश जी का भी करना है, अमृतपाली जी का भी करना है, काजल रगवानी जी का भी करना है, अक्षरा जी का, क्योंकि हमसे सीनियर है, हमारे इंडस्ट्रीज का एक धरोहर है, एक स्तंभ है, तो हमें रिस्पेक्ट तो सबका करना है। लेकिन अब इस तरीके से खुलम खुला चीजें जो होती हैं, अब हम कल आपसे मिलनी है तो तीसरा रिपोर्टर आके बोल दिया, अच्छा अजीत मंडल के चाचा के लड़के आप इंटरव्यू हूँ, तो ये थोड़ी होता है। हमसे दोस्ती है आपकी, तो हम आपसे मिल रहे हैं। आदमी मिलता किससे है, जिससे अपनापन ज्यादा होता है। जी, आपके चैनल से मेरा सबसे ज्यादा न्यूज आता है, क्योंकि आप हमारे मौसी घर का थोड़ी है। आपसे मेरा बनता है, इसलिए आपके न्यूज आता है। आप एक अच्छे रिपोर्टर हैं, अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे चैनल को आप चलाते हैं, इसलिए आपके वहां से मेरा न्यूज आता है। बाकी बहुत सारे कॉल्स आते हैं, मैं नहीं देता हूं किसी को। अब मुझे टैलेंट प्रूफ करने की जरूरत थोड़ी है हर जगह बोल के, कि मैं राइटर हूं, मैं गीतकार हूं, मैं गाना लिखता हूं, मेरे गाने, अब मुझे प्रूफ करने की जरूरत थोड़ी है। बस तो मुझे काम करना है, तो मैं अपने टैलेंट को लेकर लड़ रहा हूं। तो वैसे ही मैं ये लोगों को बोलना चाहूंगा कि ठीक है, सब कुछ तो होता है, लेकिन आप अपने लक्ष्य पे कायम रखिए और अपने टैलेंट पे रहिए, अपने सच्चाई पे आप लड़िए। जो अच्छा है, जो अच्छा है, जो बुरा बुरा है। हम तो आजकल देख रहे हैं भाई, कहीं कहीं भी लोग माइक लेके पहुंच जा रहा है, किसी के पास भी पहुंच जा रहा है, बोल रहा है भाई भोजपुरी इंडस्ट्री। अरे इंडस्ट्रीज कहाँ से है वो? आज जिसको चार लोग जानते नहीं, वो इंडस्ट्रीज का हो गया, कैसे हो गया इंडस्ट्रीज का? उनके चक्कर में इंडस्ट्रीज खराब हो रहा है। इंडस्ट्रीज वाले को तो फर्क ही नहीं पड़ता, इंडस्ट्रीज वाले तो काम करते हैं, उनको तो इन सबसे लेना देना ही नहीं है। लेकिन जिनको कंट्रोवर्सी से बोलना है, रहना है, लेना देना है, पिछले 6 महीने से मेरा कोई बड़ा गाना नहीं आया। लोगों को लगा कि भाई मैं नहीं हूँ। अब मेरे ही पीठ पीछे लोग टांग खींचते रहते हैं, उनको नहीं आता है लिखना, ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, ये ना। अब क्या करेंगे आप? तो नहीं आता, उनके कहने से हम छोड़ तो नहीं देंगे। हाँ, तमाम चीजें होती है, तमाम लोग अलग तरीके बात करते हैं, बाकी तो काम अपना ही करना होता है। और आपने साबित भी किया, आपने साबित नहीं किया है, और आपने वही गाने दिया है, वो गाने का रिकॉर्ड है कि जितने भी गाने देना सब ट्रेंडिंग में चले जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर। भले ही कुछ को लोग कहते हैं, लोग तो राम को भी कहते हैं, भगवान को भी कहते हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बाकी आप मेहनत करते हैं, और आपका एक गाना भी आया है चुम्मा, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए ऑडियंस को। सर, चुम्मा गाना मेरा, मैं जितने भी लोग हैं सब लोग को मैं निवेदन करूंगा, प्रणाम करता हूँ कि जिन लोगों ने देखा है उनको धन्यवाद करता हूँ, जो लोग नहीं देखे उन लोगों से आग्रह करता हूँ कि चुम्मा गाना एक बार देखें आप लोग,
मेरा ये सालों का मेहनत है, बहुत लॉन्ग टाइम से हम प्लानिंग कर रहे थे, हमारी प्लानिंग थी, काम चल रहा था, बहुत बार चीजें बदल रही थी, उथल पुथल हो रहा था, टाइमिंग की वजह से मिसमैच हो रहा था, सारी चीजें हो रही थी, जिसकी वजह से गाना एक साल लग गया आते आते। और हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, इवन एमके जी कोरियोग्राफर अक्षरा जी ने भी बहुत अच्छा मेहनत किया, उन्होंने गाया है बहुत अच्छा, उन्होंने परफॉर्म बहुत अच्छा किया है, कंपनी ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाने का प्लान किया है, स्पेशल थैंक्स टिप्स कंपनी, प्रवीण कौशल जी एंड विनोद सर, मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है बढ़िया सा थोड़ा सा, और रोशन जी बहुत अच्छा म्यूजिक किए हैं, तो सब लोगों का एक मेहनत है और मेरा उम्मीद है मेहनत के साथ साथ, तो आप सब लोग उस गाने को देखें, प्यार दे, सम्मान दे, और जैसे मेरे हर गाने को ट्रेंडिंग लिस्ट डालते हैं वैसे प्लीज ला दीजिए, क्योंकि बहुत दिन हो गया ट्रेंडिंग में गाना नहीं आया, बस रिक्वेस्ट ही आप लोगों से, और दिखा दीजिए फिर इस गाने को ट्रेंडिंग का एक मुंह तो दिखाइए, पूछ करिए, ये मैं कहना चाहूंगा। और बाकी चीजें तो होती रहती है इंडस्ट्री सर, हम कभी फूटेंगे तो बहुत फूटेंगे, वर्षों से नहीं फूटे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम ऑन कैमरा फूटे, इसमें तो अच्छा रहेगा, तो मेरे कैमरा पे ही फूटी नहीं नहीं एकदम आप ही पे फूटेंगे आप ही के चैनल पे बहुत जल्द फूटेंगे, तो तब तक के लिए सर नमस्कार, फील करते हैं। हाँ तो ये एक चुम्मा अजीत मंडल जी गाना है जो कि टिप्स भोजपुरी पर रिलीज किया गया है, तो आप लोग अक्सर आवाज में है, तो आप लोग जाइए जरूर सुनिए और इनके गानों को प्यार दीजिए और इनके गाने को फिर से ट्रेंडिंग में लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत मंडल जी जुड़ने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार आप सभी श्रोताओं को, जितने भी लोग इस चैनल पे देख रहे हैं, फिर जितने भी लोग इस चैनल पे देख रहे हैं, फिर जितने भी